हिमाचल विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक है। वोटिंग प्रक्रिया को और आसान बनाने को लेकर सभी तैयारियां भी की जा रही हैं। बुजुर्ग और दिव्यांग भी लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा बन सकें, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। कांगड़ा के डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर निपुण जिंदल ने जानकारी दी कि चुनाव आयोग के निर्देशों पर 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 40% से ज्यादा के दिव्यांग घर बैठे अपने मत का इस्तेमाल कर पाएंगे। बुजुर्ग और दिव्यांग घर बैठे कर सकेंगे मतदान। कांगड़ा में बनाए गए कुल 1625 पोलिंग बूथ। बैजनाथ के बड़ा बंगाल में हेलीकॉप्टर से जाएगी टीम। फतेहपुर के सतकुठेड़ा में नाव से भेजी जाएगी टीम। यानी कि जो दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ हैं और घर बैठे मतदान करना चाहते हैं, उन्हें अब किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 927 टोटल हमारे इंक्लूडिंग ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन हैं। सभी पोलिंग स्टेशन पे तमाम प्रकार की जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं वो उपलब्ध करवाई गई हैं। साथ ही साथ जो हमारे 80 प्लस के वोटर्स हैं और जो दिव्यांग लोग हैं, दिव्यांग मतदाता हैं, जिनकी 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी से ज़्यादा उनको डिसेबिलिटी है, उनको घर बैठे ही मतदान करने का भी जो एक फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। सभी को फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और पूरे ज़िले भर के अंदर 7019 ऐसे वोटर्स हैं जो घर बैठे ही मतदान करेंगे। आपके जो फतेहपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें ये नंबर 493 है, तो इसमें उन लोगों को भी एक सुविधा इस बार जो है माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। कांगड़ा सीट पर 4-4 बार जीत के साथ कांग्रेस और बीजेपी में बराबरी का मुकाबला रहा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की कोशिश रहेगी कि इस बार कांगड़ा को फतेह कर सियासी बढ़त बढ़ाई जाए। इलेक्शन कमीशन भी मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूर्य समाचार के लिए फतेहपुर से रविंदर चौधरी की रिपोर्ट।